नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन रावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अश्विन टेक माइंड। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप HTML के वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड को एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, जब हम वेब पेज बनाते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी मैंने वेब पेज इससे पहले बनाए हैं या फिर आपने बनाए होंगे, उनका जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस व्हाइट कलर को चेंज कर सकते हैं किसी और कलर में, जैसे कि रेड कलर में, ऑरेंज कलर में, येलो कलर में, या फिर किसी भी और कलर में आप उस बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, और कैसे आप कोई इमेज उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड की जगह पे आप कैसे एक इमेज वाला बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको बैकग्राउंड में अगर कलर करना है तो वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया दिस इज अश्विन रावत। और अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हेड पे यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि कैसे बैकग्राउंड को ऐड करें। तो हेडर है उसको, हेडर है उसको भी बैकग्राउंड जैसे ही कुछ रखते हैं। और अब इसको सेव करते हैं और अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैंने पहले से ही सेव कर रखा था फ्रेंड्स, इसलिए मेरे को दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको सेव नहीं किया तो आप कंट्रोल एस से जहां पर भी सेव करना चाहे वहां पर इसको सेव कर सकते हैं। तो लिखा हुआ आ गया बैकग्राउंड दिस इज अश्विन रावत। ओके फ्रेंड्स, अब इसका जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड था फ्रेंड्स वो व्हाइट कलर का था। तो बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी वाले टैग को में थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे और लिखेंगे बीजी कलर। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया बीजी कलर। अब इक्वल टू देके मैंने डबल कोट देने हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जिस भी कलर को मैं देना चाहूँ उस कलर को दे सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर सकता हूँ कंट्रोल एस से। तो मैंने अब कंट्रोल एस दबाया और रेड कलर का बैकग्राउंड मेरे को चाहिए तो मैंने रेड लिखा और उसको रिनोट किया। ओके फ्रेंड्स, अब बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का हो चुका है। आप चाहें तो किसी और कलर का भी बैकग्राउंड रख सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि मैं ग्रीन कलर का रख लेता हूँ, या फिर आप जो भी आपको पसंद हो, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, कुछ भी। तो ग्रीन कलर का मैंने आपके बार का इसको सेव किया, रिलोड किया, तो अब के बाद ये बैकग्राउंड वो ग्रीन कलर का हो चुका है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स बैकग्राउंड की बात, कि आप कैसे बैकग्राउंड में कलर को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कैसे आप उस बैकग्राउंड में इमेज को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप जो बैकग्राउंड है अगर आप वो कोई इमेज वाला बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, उसके लिए आपके पास सबसे पहले इमेज की लोकेशन होनी चाहिए, इमेज का नाम होना चाहिए और इमेज का एक्सटेंशन होना चाहिए। सेम वैसे उसी तरीके से करेंगे, लेकिन इस बार बीजी कलर की जगह पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड। ओके, तो बॉडी वाले टैग में हम गए और लिखा BACKGROUND। तो मैंने बॉडी बैकग्राउंड लिख दिया और अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है, डबल कोट्स लगाए, और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी इमेज का लोकेशन। तो कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, तो इस फोल्डर से में कोई इमेजेस होंगी इतनी सारी है, तो इनमें से कोई सी इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूं फ्रेंड्स। और इसकी मैं प्रॉपर्टीज है वो देखता हूं, तो इसका जो लोकेशन है फ्रेंड्स वो मैं कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने लोकेशन कॉपी किया और इसका जो नाम है वो कार है और ये PNG टाइप की है, तो लोकेशन मैंने कॉपी किया हुआ ही है फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं पेस्ट कर लेता हूं और यहाँ पर हम उसको नाम लिख देते हैं। इमेज का नाम था फ्रेंड्स कार और जो एक्सटेंशन था वो PNG वाला था, तो .png ये मैंने लगा लिया। अब सब कुछ हो चुका है फ्रेंड्स, केवल इसको सेव करने की देरी है। आप चाहे तो कंट्रोल एस से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेव किया, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब जो बैकग्राउंड है फ्रेंड्स वो एज अ डिफॉल्ट बैकग्राउंड नहीं है, जो बैकग्राउंड इमेज है अब वो मेरी कार की इमेज है जो कि ये बैकग्राउंड इमेज का काम कर रही है। तो जिस भी बैकग्राउंड इमेज को आप ऐड करना चाहते हो उसका लोकेशन, उसका नाम, और तो लोकेशन तो यहाँ पे हो गई F एंड कॉलन, और फिर ये आपको लगाना जरूरी है बैक स्लैश इसको हम बोलते हैं, और कार उस इमेज का नाम है और .png उसका एक्सटेंशन है।
फ्रेंड्स एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, .png हो सकता है, .jpeg हो सकता है, .jpg हो सकता है, एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस इमेज का एक्सटेंशन .png था इसलिए मैंने यहाँ पे png लिखा। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ओके ना फ्रेंड्स। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा फ्रेंड, जो कि अक्सर मेरे साथ होता है, होता था पहले, क्योंकि जब इसको कॉपी करता था फ्रेंड्स किसी इमेज को, तो जब मैं इसका आउटपुट देखता था तो मेरे को उसका आउटपुट में आउटपुट नहीं दिखता था, मेरे को कुछ इस तरह के से दिखता था कि यहाँ पर जहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे को एक कट का साइन दिखता था, और जब मैं उस पर क्लिक करता था तो वो बोलता था रीलोड इमेज। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम मेरे पे आती थी पहले, हो सकता है शायद आप पे भी आती होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। ये तब आती है फ्रेंड्स जब आपका जो लोकेशन है और जो नाम है या तो डबल होता है या फिर वो कॉपी होता है। डबल का मतलब आपने एक ही इमेज को दो दो जगह स्टोर कर रखा है, यानी कि आपने उसको डेस्कटॉप पर भी रख रखा है और किसी एफ ड्राइव में या फिर किसी भी अलग सी ड्राइव में या फिर किसी भी जी ड्राइव में रखा है, तो तब उसकी लोकेशन फ्रेंड दो हो जाती है। जब उसकी लोकेशन दो हो जाती है तो उसको HTML वेब पेज में ऐड करना मुश्किल हो जाता है या फिर कहीं नामुमकिन हो जाता है, और तब जाकर कोई कट का साइन बताता है फ्रेंड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस इमेज को आप अपने वेब पेज में यूज करें एज ए बैकग्राउंड या फिर डायरेक्टली आप कैसे भी यूज कर रहे हैं, वो जो इमेज होगी वो आपके पास एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, या तो डेस्कटॉप में ही सेट हो या फिर किसी एफ ड्राइव में ही हो या फिर जी में ही हो, या फिर कुल मिला के एक होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, उसके जैसे कोई दूसरी इमेज उस फोल्डर में नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर एफ ड्राइव की बात करें तो उसमें एक ही इमेज दो नाम से सेव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स और आपके में कट का साइन दिखाएगा। तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स इस वीडियो में कि कैसे आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं कलर वाला बीजी कलर के द्वारा, और कैसे आप कोई इमेज एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही है बैकग्राउंड को ऐड करने में या फिर कोई भी सवाल इस वीडियो से रिलेटेड है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।